एकदम नीतीश कुमार के सबसे विश्वसनीय व खास सहयोगी में से एक जोन के डीसीपी गजानन शिवलिंग राजमानी नागपुर शहर में जारी हवाला का दिवाला निकाल दिया है। उनके नेतृत्व में इतवारी अनाज बाजार तथा बुधवारी इलाके में की गई जानदार कार्रवाई में कुल 2,750 लॉकर्स का खुलासा हुआ है। पुलिस ने अनाज बाजार इतवारी स्थित भूतड़ा भवन और गणेश चैम्बर्स में कार्रवाई करते हुए नगद 84 लाख रुपए बरामद किए हैं। इस मामले में कुल 6 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। चूंकि यह मामला लंबी राशि से जुड़ा हुआ है, पुलिस ने जांच आयकर विभाग के हवाले कर दी है। आयकर विभाग के अधिकारी अगले कई घंटों तक मामले की जाँच में जुटे रहेंगे। परिमंडल क्रमांक 3 का कामकाज संभालने के बाद की डीसीपी गजानन शिवलिंग राजमानी की यह सबसे खतरनाक और दंगेबाज कार्रवाई है और इस कार्रवाई से न केवल नागपुर बल्कि विदर्भ भर का व्यवसाय जगत हिल गया है। गुप्त जानकारी के आधार पर डीसीपी राजमाने ने अपने सहयोगियों के साथ छापामार कार्रवाई शुरू की और इतवारी बुधवारी जैसे व्यस्ततम बाजार में खलबली मच गई। कार्रवाई इतनी शातिराना थी कि हवाला कारोबारियों को बचने का जरा सा भी मौका नहीं मिला। एक ही स्थान की आमने सामने की बिल्डिंग कार्रवाई कर पुलिस ने कुल 84 लाख रुपए बरामद किए। नोट गिनने की मशीन बुलाई गई। हवाला कारोबारी जाने के लिए तरसते रहे लेकिन पुलिस ने उन्हें हिलने भी नहीं दिया। फिलहाल पुलिस के पास 6 आरोपी हिरासत में है। डीसीपी राजमाने ने बताया कि अब आगे की कार्रवाई आयकर विभाग के अधिकारी करेंगे। आमच्याकडे एक माहिती होती, हवाला चा कारोबार चालत आहे म्हणून। बुतडा बिल्डिंग आहे, त्याच्या शेजारी एक गणेश चेंबर आहे। बुतडा बिल्डिंगमध्ये 4 ठिकाणी आणि गणेश चेंबरमध्ये एका ठिकाणी कॅश मिळाली आपल्याला। अवैध ब्लॅक काळा पैसा होता। हवालाच्या मार्फत त्याची अपरातपर केली जात होती। त्या बुतडा बिल्डिंगमध्ये अजूनही 22 असे वेगवेगळे शॉप आहेत। काय शॉप लॉक होते, काही ठिकाणी इतरही काय व्यवसाय होते, व्यापारी होते, तर तेही चेक केले जातील। या 5 ठिकाणी आणि अजून एका ठिकाणी ज्या बिल्डिंगला नाव नव्हतं तिथं असे एकूण 84 लाख रुपये रोकड मिळालेली आहे। यामध्ये या 2 बिल्डिंगमध्ये 44 लाख आणि दुसऱ्या बिल्डिंगमध्ये 40 लाख अशी रक्कम आहे। वरती समथिंग आहेत 1,650 रुपये वगैरे। आणि या दरम्यान हे जे हवालामध्ये पैशाची अपरातपर करतात, तर हे पैसे लॉकर्स मध्ये ठेवत होते की ज्या लॉकरला कुठली परवानगी नाही। डीसीपी राजमाने ने बताया की कुल 4 स्थानों के बारे में जानकारी सामने आई है जहां लॉकर्स की व्यवस्था है। पुलिस ने सभी स्थानों को सील कर अपने सुरक्षा कर्मी रात में ही तैनात कर दिए थे। डीसीपी राजमाने के अनुसार एक स्थान पर 1900, दूसरे स्थान पर 950, तीसरे स्थान पर 700 और चौथे स्थान पर 200 लोगों के लॉकर्स होने की जानकारी मिली है। अब आयकर विभाग के अधिकारी इन सभी 2,750 लोगों को बुलाकर लॉकर्स खुलवाएंगे। इन लॉकर्स में करोड़ों रुपए जमा होने की आशंका जताई जा रही है। डीसीपी राजमाने की इस कार्रवाई से आयकर विभाग के अधिकारी अगले कई दिनों तक बिजी रहेंगे। 2,700 लोगों को बुलाकर जांच करना उतना आसान काम भी नहीं है। बताया जाता है कि जिन 2,750 लोगों के लॉकर्स हैं, उनमें से अधिकांश नागपुर के इतवारी बुधवारी अनाज बाजार के अलावा सराफा मार्केट से जुड़े व्यापारी हैं। इन सभी में जबरदस्त बेचैनी छा गई है। अपुष्ट सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुछ लॉकर शहर के सटोरियों के भी हैं। सट्टे का लेन देन इसी भूतड़ा भवन से होने की जानकारी मिली है। अब यह मामला अगले कई दिनों तक शहर में छाया रहेगा। अब सब कुछ आयकर विभाग के जिम्मे है। हालांकि आयकर विभाग के अधिकारी आसानी से जानकारी नहीं देते, खासकर लॉकर धारियों की व्यक्तिगत जानकारी उनसे नहीं मिल पाती। बहरहाल इस कार्रवाई ने डीसीपी राजमाने के बारे में शहर के अपराधियों में और अधिक दहशत पैदा कर दी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCA न्यूज़, नागपुर।